नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो में। आज एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर जातीय जनगणना का एक मुद्दा जो खत्म हुआ और बिहार में इसका नया स्वरूप देखने को मिला वो काफी बदहर तक था। नीतीश कुमार ने आज यह साफ कर दिया है कि वह बिहार को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। लोकसभा चुनाव के दरमियान वह किसी भी मजबूती के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चिराग पासवान ने अपनी ताकतों को लगाया भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, क्या मिलेगी मजबूती या भारतीय जनता पार्टी को बांधना पड़ेगा बोरिया बस्तरा बिहार से। आज की बड़ी खबरों में अखिलेश यादव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे विस्तार से बात, जानने का प्रयास कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं लोकसभा के चुनाव के दरमियान। आज बड़ी खबर पर करेंगे विस्तार से बातचीत। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के चाहने वाले दर्शकों के लिए बड़ा गुड न्यूज दोस्तों। इस खबर को जानने से पहले अगर आप भी तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं तो आई सपोर्ट तेजस्वी कॉमेंट में लिखेगा और वीडियो पर 10,000 से ज्यादा लाइक की उम्मीद है। दरअसल बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस धीरे धीरे देश के लोगों के अंदर अपने प्रति रफ्तार को धीरे धीरे तेज कर रही है, जिसके वजह से इसकी रफ्तार और मजबूत हो रही है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, लड़ना है, मजबूत इरादा ठोस कदम से। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में मल्लिकार्जुन खड़गे की कई महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे विस्तार से बात, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और आज की बड़ी खबरों में जानने का प्रयास होगा, समझने की कोशिश होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने खेल को मजबूत करने में लगी है, पर जातीय जनगणना के बाद खोखले रूप में भारतीय जनता पार्टी कैसे जाती नजर भी आई है, इस पर भी करेंगे बात। लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले दर्शकों के लिए बड़ा गुड न्यूज, लालू प्रसाद यादव से जुड़ी आज महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे विस्तार से बात, बने रहिएगा आप हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। धीरे धीरे नीतीश कुमार का जलवा आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने अपने जलवे में लोगों को बांधना शुरू भी कर दिया है। नीतीश कुमार के मजबूत इरादों ने साफ तौर पर देश के लोगों का ध्यान खुद पर केंद्रित कर लिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को ये पता है कि किस तरीके से आज जातीय जनगणना हम लोगों ने कराई, एक मुद्दा जो लंबे वक्त से चला आ रहा था। इससे कहीं ना कहीं हमने जाना समझा किस पर विकास करना चाहिए, कितना विकास का मुद्दा होना चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए और आने वाले वक्त में चुनाव का जो माहौल है वह किस तरीके से चलेगा यह भी पता है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेल को समाप्त कर लिया है। नीतीश कुमार के तिगड़म से परेशान भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अब जी हां एक कदम खत्म होती दिखाई दी और उसकी सेवाएं यहीं तक थी, अब वह समाप्त होती भी दिखाई दी। खैर, इसके बारे में अपनी राय और विचार तो कॉमेंट में लिख ही दीजिएगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार के बारे में कुछ और बेहतरीन जानकारी जानते हैं तो कमेंट कीजिए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त चिराग पासवान को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान सिर्फ नेता नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के गर्व से निकले वो बेटा भी हैं, जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत को लेकर के बिहार के गरीबों के लिए आवाज़ बनना, मजदूरों का सहायता करना और इसके साथ ही एक मजबूत इरादों के साथ लोगों को अपने जन समर्थन में खड़ा करना वह शुरू कर चुके हैं। वह धीरे धीरे पर रोज़ाना एक बेहतर प्रयास को कर रहे हैं। हालाँकि दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आने वाले मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर बिहार में खुद को पेश कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, वो पेश कर सकते हैं खुद को, तो अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, विचार कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही अखिलेश यादव को लेकर के। उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, लोकसभा के लिए हम सभी कमर कस करके तैयार हैं, लोकसभा में हमारी इरादा मजबूत है, हम इरादों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, हमारा एक एक कदम आगे बढ़ करके सोचना हमारे लिए सार्थक साबित होगा, हम बड़ा इतिहास बनाने के लिए जाने जाते हैं, हम लोगों का लोकसभा में एक अलग जिया मजबूती देखने को मिलेगी, हम भारतीय संविधान
की रक्षा और भारत माँ के जी हाँ रक्षा के लिए स्वयं को कुर्बान कर सकते हैं। ऐसे में जी हाँ अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह साबित कर दिया है कि अब वह लोकसभा में किसी के सामने बिना हाथ बटाए वह सीधे तौर पर वोट लेने के लिए अपने पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उतार सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यह कहीं ना कहीं समाजवादियों के लिए एक और नया उमंग होगा, एक और नई ताकत होगी और इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर के। बिहार में तेजस्वी के चाहने वाले लोगों की संख्याएं अक्सर बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों तेजस्वी को लेकर के लोगों के अंदर साफ तौर पर भावनाएं झलकती भी नजर आती है। लेकिन फिलहाल खबरों में विस्तार से जाने से पहले अगर आप तेजस्वी के बारे में सपोर्ट करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के नेक्स्ट CM के तौर पर एक बेहतर उम्मीदवार हैं और उनके अंदर वो गुणे हैं, उनके अंदर वो ताकतें हैं, तो आज कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट CM जी हां तेजस्वी लिखिएगा और इस वीडियो पर ठोक दीजिए 3000 लाइक। आज देखते हैं कितने लोग हमारे समर्थन में खड़े होते हैं। दरअसल तेजस्वी के लिए धीरे धीरे जनाधार और धीरे धीरे लोगों की संख्याएं मजबूत हो रही है। वह तेजस्वी जातीय जनगणना के मुद्दों के बाद चेहरे पर नए मुस्कान को लेकर के घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जातीय जनगणना के बाद वह CM के उपाधि को पाने के काफी हद तक मजबूत हो चुके हैं। बड़ी खबर तो निकलकर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 2024 की चुनाव को लेकर के अपनी सरगर्मियों से लगातार चीजों को मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे धरातल आज मजबूत हो रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में दिल्ली या पंजाब तक सीमित रहना नहीं चाहती। पार्टी का इरादा तो मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे को भी हिला देने वाली है। इसके साथ यह साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी का जो मजबूत इरादा है लोकसभा के लिए, उस मजबूत इरादों के तौर पर अगर कैंडिडेटों को जीत मिल जाती है तो सचमुच आम आदमी पार्टी एक बहुत ज्यादा समझदार और सुनियोजित तरीकों से चलने वाली पार्टी कहलाएगी। पार्टी के पास भले ही सांसदों की कमी हो पर विधायकों और मुख्यमंत्रियों की कोई कमी नहीं है, जिसके आधार पर आज भारत की तीसरी ऐसी बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी का नाम शुमार हो चुका है, जिसे आप और हम बड़े ही प्यार से जानते हैं। खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार की रणनीतियों ने राजनीतिक में नया परिवर्तन लाया है। ऐसे में नीतीश कुमार की रणनीति, वो रणनीति जिस रणनीति के तहत मोदी भी परेशान, योगी भी परेशान और शाह भी परेशान। अमित शाह आज परेशान है नीतीश कुमार से क्योंकि नीतीश कुमार ने एक के बाद एक चाल चलने का जो तरीका है उससे कहीं ना कहीं सीधे राजा का शिकार कर लिया है शतरंज में। और अगर ये शिकार सचमुच सटीक हुआ तो प्रधानमंत्री के लिए दूरी तय करनी नहीं होगी। बड़ी खबर तो यह भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े और महत्वपूर्ण नेता जो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बने हुए थे, उन नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, कर क्या रहे हो साहब, करो, अभी नहीं तो फिर कब। अगर आज मजबूत इरादों के साथ संघर्ष की कहानियों को लिख ही दिया जाए तो भारत में एक नया प्रयास और अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। खैर अपनी राय कॉमेंट में दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। बड़ी खबर तो यह है कि लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बातें कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को लोगों के बीच में मसीहा के तौर पर हमेशा से पेश किया है, लेकिन आज वह फिर से जब कहते नजर आए कि देखिए हमारा तो इरादा ही आप जानते हैं, हम तो बहुत अच्छे और नेकदिल इंसान हैं, हमारे इरादे को लेकर के कोई गलत फहमी मत पालिएगा, हम लोग एक नए ताकत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हम चीजों को समझते हैं और उस पर अपनी राय को रखते हैं। खैर लालू प्रसाद यादव का मजबूत इरादा और भारत के लिए एक नई कोशिश का, एक नया संघ की शुरुआत में लालू प्रसाद यादव को जोड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना अपने आप में काफी बड़ी और महत्वपूर्ण गर्व की बात है। पर आज लालू प्रसाद यादव फिर से संघर्ष को लेकर के और अपने कहानियों को मजबूत इरादों के तौर पर रचने के लिए जी हां काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस पर अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मनीष कश्यप को लेकर के। बिहार के सोशल मीडिया के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि उनके नाम पर आज फिर से बिहार में राजनीतिक शुरू हो गई है। कई लोगों ने तो कहा कि ऐसे में सोशल मीडिया के चर्चित पत्रकार को इसलिए दबाया गया कि ताकि उसकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाए, गरीबों की आवाज़ें जो कल तक उठती नजर आई थी उसे खत्म कर दिया जाए। पर मनीष कश्यप आवाज़ नहीं है, वह इरादा है, मजबूत इरादा, जिस इरादे को दाब पाना, जिस इरादे को खत्म कर पाना, जिस इरादे के बारे में खत्म होने की कहानियों को सोच पाना खुद में ही खत्म हो जाने जैसा है। खैर, अपनी राय और विचार को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जी हां, आईटीटी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।